हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी मुंबई जोन में चल रहे टेक्नीशियन के मेडिकल की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें ताकि आपको ख्याल हो जाए कि किस प्रकार के टेस्ट हुए, कौन कौन से टेस्ट हुए, फ्लैट फुट टेस्ट हुआ या नहीं, और आई टेस्ट में कौन सा स्टैंडर्ड प्रीफर किया गया। तो जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उन्हें भी पल पल की न्यूज मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। आज जिस स्टूडेंट से मैंने रिव्यू लिया, उनका जो है फ्रेंड्स मेडिकल जो था वो जगजीवन राम रेलवे हॉस्पिटल मुंबई में था। उनको फ्रेंड्स कल जो है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का था और आज जो है उनका मेडिकल था। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट का भी वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, जिस स्टूडेंट से रिव्यू लिया था उन्होंने बताया कि वो करीब 8:30 बजे के करीब जगजीवन राम हॉस्पिटल में पहुँच चुके थे और सबसे पहले जो है उनका ब्लड शुगर टेस्ट लिया गया था। ब्लड शुगर टेस्ट जो है 3 से 4 मिनट तक चला था। उसके बाद जो यूरिन टेस्ट लिया गया, यूरिन टेस्ट भी फ्रेंड 3 से 4 मिनट तक चला था। दोनों टेस्ट टोटल जो है 8 से 10 मिनट में कंप्लीट हो चुके थे और ये दोनों टेस्ट के पहले आपको कुछ भी खाना नहीं है। ये दोनों टेस्ट पूरे हो जाने के बाद डॉक्टर आपको खुद बोलेगा अगर आपको कुछ खा के आना तो आप खा सकते हो। इसके बाद जो है फ्रेंड्स उनका एक्सरे का टेस्ट लिया। एक्सरे टेस्ट में फ्रेंड्स उनके छाती के बोन्स बराबर है या नहीं ये सब चेक किया। उसके बाद जो है ईसीजी टेस्ट लिया गया। ईसीजी टेस्ट फ्रेंड्स जिस स्टूडेंट से मैंने रिव्यू लिया उनका नॉर्मल हो चुका था, लेकिन उनके ग्रुप में 2 कैंडिडेट ऐसे थे वो थोड़ा घबरा गए थे, इसलिए उनका ईसीजी टेस्ट जो है वो नॉर्मल नहीं आया। तो मैडम ने उनको फ्रेंड्स थोड़ा रेस्ट लेने के लिए कहा कि आप आधे घंटे बाद दोबारा ईसीजी के लिए आइए, हम आपका दोबारा ईसीजी टेस्ट कर लेंगे। बिकॉज मैडम को भी पता है कि स्टूडेंट जो है कितने फाइट करके अंदर आए, 3-3 एग्ज़ाम निकाल के आए, तो किसी को भी बाहर नहीं किया ईसीजी टेस्ट और ब्लड प्रेशर टेस्ट में। फाइनली जो दो स्टूडेंट थे उनका भी ईसीजी कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है फ्रेंड्स उनका ब्लड प्रेशर टेस्ट लिया गया। ब्लड प्रेशर टेस्ट में भी फ्रेंड्स उनका ब्लड प्रेशर टेस्ट नॉर्मल था, यानी नॉर्मल से आसानी से हो चुका था। इसके बाद फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि जो जगजीवन राम रेलवे हॉस्पिटल में जिस प्रकार ALP में पाइल टेस्ट, हाइड्रोसिल टेस्ट ये सब टेस्ट हो रहा था, उसी प्रकार फ्रेंड्स आज इस बार जो टेक्नीशियन में हाइड्रोसिल टेस्ट और पाइल टेस्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ था जगजीवन राम रेलवे हॉस्पिटल में टेक्नीशियन का। जिस प्रकार ALP का हो रहा था, लेकिन टेक्नीशियन में ये दो टेस्ट नहीं हुआ। और बाकी जोन का कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज मुंबई जोन का रिव्यू मिला है तो मुंबई जोन में जगजीवन राम हॉस्पिटल में तो नहीं हुआ था। इसके बाद जो है फ्रेंड्स स्टूडेंट ने बताया कि फ्लैट फुट टेस्ट जो था उनका, फ्लैट फुट और नोकनी का, वो नॉर्मल सा टेस्ट हुआ था, यानी थोड़ा थोड़ा इजीली हो गया था। इसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं आई टेस्ट की। तो आई टेस्ट में फ्रेंड्स उनको है सबसे पहले डिस्टेंस विजन के लिए लेके गए। डिस्टेंस विजन में फ्रेंड्स उनको 6 मीटर की दूरी पर खड़ा कर दिया गया और जिस प्रकार ALP में सी बताया गया था उसी प्रकार आपको जो है सी बताना रहेगा। यानी कि फ्रेंड्स आपको 6x6 से सी बताना है, सी का फेस कहाँ से ओपन है, टॉप से ओपन है, बॉटम से, लेफ्ट या राइट से। अगर आपके फ्रेंड्स चश्मा है तो आपको चश्मा साथ में लेकर जाना है। अगर आप चश्मा पहनते भी हो तो आपको उसके जो नंबर है वो नंबर भी साथ में लेकर जाना है। बिकॉज आपको पता है कि टेक्नीशियन में चश्मे अलाउ है, लेकिन लासिक सर्जरी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी लासिक सर्जरी है तो आपको जो है C1 कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने जिस स्टूडेंट से रिव्यू लिया उनका जो है मेडिकल स्टैंडर्ड 6x9 था और उनके चश्मा भी था। तो फ्रेंड्स उनके जो है चश्मा पहन के पहले सी बताया गया, फिर जो है विदाउट चश्मे से भी सी देखा गया। यानी चश्मा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनके ग्रुप में फ्रेंड्स एक कैंडिडेट ऐसा था जो 6x9 भी बरोबर पढ़ नहीं पा रहा था, तो मैडम ने उनको फ्रेंड्स तुरंत जो है बोला कि जाओ पहले आप अपने चश्मे का नंबर चेक करा के आओ और चश्मा बनवा के लाओ। तो फ्रेंड्स उनको जो है चश्मा बनवाने के लिए भेज दिया गया और कल जो है दोबारा बुलाया गया है। यानी आपका चश्मा है तो आपको चश्मा पहन के जाना है, चश्मे के नंबर भी साथ में लेके जाना है। इसके बाद जो है फ्रेंड्स उनका जो है नियर विजन टेस्ट लिया गया। नियर विजन टेस्ट में फ्रेंड्स उनको जो है एक लाइन पढ़ाई गई थी और वो लाइन उन्होंने आसानी से पढ़ ली थी। और कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में फ्रेंड्स उनके पास जो एक बुक है वो बुक अलग अलग पेज पे अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होगी, वो पेज पलटते जाएंगे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बताती रहनी है। ऐसा करीब 10 से 12 पेज फ्रेंड्स वो पलटेंगे, आपको 10 से 12 पेज में जो जो नंबर है वो आपको बताने रहेंगे। नाइट विजन टेस्ट में फ्रेंड्स उनको एक अंधेरे रूम में लेके गए और रेड, येलो और ग्रीन जो है लाइन फ्रेंड्स वो लाइट जो है छोटे छोटे बल्ब वो बताए। इसके बाद फ्रेंड्स उनका जो है लासिक सर्जरी टेस्ट लिया गया। अगर लासिक सर्जरी टेस्ट में फ्रेंड्स आप पकड़ा भी जाते हो तो आपको जो है डायरेक्ट बाहर नहीं कर रहे, जिस प्रकार ALP में लासिक सर्जरी वाले कैंडिडेट को डायरेक्ट बाहर कर देते हैं, उसी प्रकार फ्रेंड्स टेक्नीशियन में जो है लासिक
सर्जरी वाले कैंडिडेट को बाद नहीं कर रहे, उनको जो है फ्रेंड्स C1 मेडिकल स्टैंडर्ड दे के पास करके फिट कर दे रहे। अगर फ्रेंड्स ज़्यादातर C1 कैटेगरी के स्टूडेंट पास होते हैं तो फ्रेंड्स उनको जो है फाइनल मेडिकल में यानी फाइनल मेरिट में जो है फ्रेंड्स थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर लासिक कैंडिडेट वाले हैं तो। इसके बाद जो है फ्रेंड्स यहाँ पे जो है फॉगिंग टेस्ट और फील्ड ऑफ विजन टेस्ट नहीं लिया गया था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, बिकॉज अगर मैं बता देता तो कई स्टूडेंट कहते भाई आप फेक वीडियो बनाते हो, ये ऐसा तो कोई टेस्ट हुआ नहीं था। तो भाई जो स्टूडेंट रिव्यू देता है उसी रिव्यू के अनुसार वीडियो बनाते हैं, फिर चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं, जो 100% राइट होता है वही आपको जानकारी दी जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको बता दिया जिस प्रकार मैंने कि आपका अगर 6x9 का चश्मा है, 6x12 का है, तो आपको चश्मा लेकर भी जाना है, वहाँ पे आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाल रहे। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा रिव्यू RRB मुंबई जोन से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं आपसे उस स्टूडेंट से बात करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल MJStar Education को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि इसी प्रकार न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।